वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिर से चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वीएसएक्यू और एक्सरसाइज 1.5 लॉगरिथम ज्यादातर वीएसएक्यू और एसएक्यू में ही आता है जो हम आप करने जा रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस भी वैसे थे। डिटरमाइन log 2/3 पावर ऑफ 8/57। यहां पर क्वेश्चंस इस तरीके से दिया गया है, आपको जिस चीज के फैक्टर्स निकल सकते हैं वो पॉसिबिलिटी है हमको सॉल्व करना। जैसे कि 8 है, 8 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2, सो मींस 2 × 4 = 8, 2 to the power of 3, 2 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। इसी तरीके से 27, 3 × 3 × 3, 3 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, सो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो इसके हम जब फैक्टर्स निकाल चुके हैं तो हम अब सॉल्व कर सकते हैं। इसकी हेल्प से 2 और 3 के फॉर्म में लाना है, आसान है। 2/3 and 2/3 power of 3, यानी हमारे दिस पार्ट आल्सो 3 and दिस पार्ट आल्सो 3 टाइम्स। सो अगेन वी कैन राइट वन मोर स्टेप इज हियर, लाइक 2 to the power of 3 and 3 to the power of 3 इंस्टेड ऑफ दैट। सो नाउ log 2/3 and this 2/3 power of 3, we can take common, ये 3 ऊपर ले लिया हम, numerator and denominator में भी same वैसे ही रहेगा। तो अब जैसे ये formula में आ चुका है, log base a x to the power of m is nothing but m log base a x, ये formula बन चुका है। तो ये 3 ये side आ जाता, 3 log 2 to the power of 3 and 2/3, दोनों सेम बन चुके हैं यहाँ पर। तो ऐसे फॉर्म पे अपने पास फॉर्मूला आसान है, log बेस ए इज नथिंग बट 1 ऑलवेज। तो 3 × 1 आंसर इज 3। सो ये सेम फैक्टर्स आने की वजह से इसका 1 हो गया। हम इससे पहले के क्वेश्चंस में इसी तरीके से प्रैक्टिस करे हुए हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हियर आल्सो सेम लाइक दिस, डिटरमाइन दिस 2 to the power of 2 प्लस log 2 to the power of 3 to the power of 2। इस तरीके का क्वेश्चन है। इससे पहले के हम यहां पर ये क्वेश्चन को देखकर एक चीज प्रैक्टिस करना है जो सेम लाइक दिस आपको सॉल्व करने में आसानी होने वाली है। जैसे कि यहां पर सिंपल 3 and 2 तो ये क्वेश्चन में आपको एक लॉजिक अप्लाई करना है जिसके पावर में ये पावर के ऊपर एडिंग है। तो हमारे पास इससे पहले लॉगरिथम के लॉस के कुछ फॉर्मूले हैं, a to the power of m × a to the power of n इज नथिंग बट a to the power of n + n। ये फॉर्मूले के बेस में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर एक्चुअल ये फॉर्म में दिया गया है, हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो 2 to the power of 2 × 2 because of this is equal power should be added, so log 2 and 3 यहां पर इस तरीके का फॉर्म बन गया है। तो इससे हम आपको आसानी से सॉल्व होने के चांसेस है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन में दिया गया था हम उसको इस फॉर्म में किस वजह से लिखे, क्योंकि यहां पर ये अप्लाई हुआ फॉर्मूला सेम 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 to the 4। दिस इज इन फॉर्म फॉर्मूला, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है इसको हम 3 log this m log base aa means यहां पर log a to the power of log base a and capital n ले लो और इसको capital n बना दो, तो ये formula बन चुका है। तो यहां पर आपको एक चीज सॉल्व करना था जो के आपको सिंपल a to the power of log base a power of n is nothing but n, ये फॉर्मूला बनाना था इससे पहले के जो हम सॉल्व करें। तो यहां पर भी ये दोनों सेम है और जस्ट आंसर पावर 3 बचा। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम नहीं भी प्रैक्टिस करें फॉर्मूला तो डायरेक्ट हम इसको अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी हम ऐसा लिख सकते हैं, मगर एग्जामिनेशन में हम ऐसा लिखेंगे तो हमारे पास स्कोरिंग करने के लिए चांसेस ज्यादा रहते। 4 × 3 = 12, ये हो गया आंसर हमारा। सिंपल है, बहुत ज्यादातर ये क्वेश्चंस आया सो है। यहां पर देखिए अगर कहीं भी डॉट है आपको कमेंट्स में बोल सकते हैं, और इंशाल्लाह आई होप कि आपको मेरे प्रॉब्लम समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।